सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गुजरात के केवड़िया गांव जाना अब आसान होगा। जी हां, दिल्ली से अब केवड़िया गांव के लिए सीधी ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विभिन्न रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन केवड़िया एक्सप्रेस नाम दिया गया है। ये रेलगाड़ी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसको लेकर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर समेत रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। बता दें, स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गुजरात के केवड़िया गांव जाने के लिए देश के अलग अलग कोने से 8 ट्रेनें चलेंगी, जिसमें वाराणसी, दादर, दिल्ली, अहमदाबाद, रीवा और चेन्नई स्टेशन शामिल हैं, जहां से केवड़िया एक्सप्रेस गुजरात के केवड़िया गांव पहुंचेगी। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली।